नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। खोदने के बाद रास्ते को दुरुस्त करना भूली नगर पालिका। बसेड़ी कस्बे में नगर पालिका क्षेत्र में सबसे व्यस्ततम मार्ग की सड़क पर निकलने के लिए जगह नहीं है। सड़क पर जगह नहीं होने से आए दिन उसमें वाहन फंस जाते हैं। नगर पालिका की ओर से सड़क को खोदने के बाद उसे भरना भूल गए, जिसे लगभग 2 साल से अधिक समय हो गया। कस्बे के गंज किला गेट के पास के नागरिकों ने बताया कि यह सबसे व्यस्तम मार्ग है। यह समस्या पिछले 2 वर्षों से पूर्व गड़गौर मेला को व्यवस्थित ढंग से निकालने के लिए नगर पालिका की ओर से सड़क को खोदने के बाद सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया, जिससे सभी को निकलने में काफी परेशानी होती है। आए दिन इसमें वाहन फंस जाते हैं। कृषि कार्य हेतु क्रय विक्रय में आने वाले ट्रैक्टर इसमें आए दिन फंसे रहते हैं। इसके साथ ही इस मार्ग पर डाकघर, बैंक शाखा, अस्पताल, कृषि विभाग कार्यालय, क्रय विक्रय और पशु चिकित्सालय होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक अपने वाहनों से आते हैं, जो मुख्यतः गंज में होते हुए ही गुजरते हैं। सड़क मार्ग को नगर पालिका ने खोदकर उसी हालात पर छोड़ दिया है। मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आए दिन चारपहिया वाहन नालियों में फंस जाते हैं, जिसके चलते आसपास के घरों, दीवालों को नुकसान पहुंच रहा है। दीवालों पर लगे विद्युत मीटर टूट गए हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से रास्तों को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। बसेड़ी से पुनित परमार की रिपोर्ट। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, RO वाटर और पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 94-13-81-68-81 और 96-64-01-24-11। राजाखेड़ा में भगवान भरोसे से चल रहा है राज के उप जिला अस्पताल। मरीजों की रहती है भरमार, डॉक्टर रहते नदारद। आजकल मौसम को लेकर के भगवान भी मेहरबान है, जो कि अभी से ही आम इंसानों को इतनी गर्मी को झेलना मुश्किल हो रहा है। इसका कारण आए दिन पुरुष, महिला, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी ओर प्राणों के रक्षक भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर लोक जनता से रूठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों के ऊपर ना कोई होने के कारण डॉक्टर लोगों ने भी अपनी मनमानी से अस्पताल में आना जाना शुरू कर दिया। मन चाहे जब आए, मन चाहे जब चले जाए, क्योंकि जनता की ना तो कोई स्थानीय अधिकारी सुनता है और ना ही कोई जिला प्रशासन। ऐसा ही एक नजारा दिनांक 21 अप्रैल 2024 को रविवार के दिन सुबह सुबह 9:45 पर अस्पताल के अंदर देखने को मिला। ये अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में मरीज उपस्थित थे। पर्चा बनवाने के लिए लाइन लगाई जा रही थी। डॉक्टर के कमरे में मरीजों की भरमार थी, लेकिन 9:45 तक अस्पताल में मात्र एक ही डॉक्टर मौजूद थे, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या आधा दर्जन से ज्यादा अधिक है। डॉक्टर ना के होने के कारण मरीज काफी परेशान होते हैं। स्थानीय अधिकारी SDM को बताया गया तो उन्होंने कहा कि मैं CMHO से बात करती हूँ, क्योंकि छुट्टी के दिन रविवार होने के कारण हॉस्पिटल केवल 2 घंटे खुलता है। अस्पताल के बाबत जानकारी अधिकारी और नेताओं को जिला स्तर तक भेजी गई, फिर भी कोई संतोषजनक जवाब वहां से वापस नहीं आया। क्यों राजाखेड़ा नगर और ग्रामीण जनता डॉक्टरों की तरफ की गई मनमानी रवैया को कब तक सहन करेगी? यदि डॉक्टरों ने अपने आने जाने वाले रवैया में बदलाव नहीं किया तो जनता का किसी दिन ज्वालामुखी भी फूट सकता है। राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता समाचार पत्र के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करती है कि अस्पताल के अंदर मरीज को हर प्रकार की सुविधा दिलाई जाने, डॉक्टर के मनमानी रवैये में बदलाव कराए जाने हेतु कार्यवाही करेगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय
आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर वन फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्द करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। धौलपुर में चार दिन पहले एक फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने फाइनेंस कर्मचारी को गिरफ्तार किया। कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात को लेकर फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक ने थाने में मामला दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने आरोपी से लूट के रुपए बरामद कर लिए। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि 17 अप्रैल को स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक प्रदीप नरूका ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसके भरतपुर के रहने वाले एक कर्मचारी लोकेश जाटव के साथ चिलाचौन टोल प्लाजा पर लूट की वारदात हुई। इसमें कैश का कलेक्शन करके लौट रहे कर्मचारी लोकेश जाटव से बाइक सवार एक अज्ञात बदमाश ने 1,05,750 रुपए लूट कर फरार हो गए। कर्मचारी लोकेश ने अवैध हथियार दिखाकर अपने साथ लूट की कहानी प्रबंधक को बताई थी, जिस पर प्रबंधक ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गहनता से पूछताछ में पता चला कि कर्मचारी लोकेश के साथ कोई भी लूट की वारदात नहीं हुई, जिस पर पुलिस ने कर्मचारी लोकेश से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि कर्मचारी लोकेश ने दोषा के रहने वाले अपने साथी नरेश जाटव के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची, जिस पर पुलिस ने कर्मचारी लोकेश के साथ उसके सहयोगी नरेश जाटव को गिरफ्तार कर लूट की राशि बरामद कर बाइक को जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। युवक एक शादी समारोह में हलवाई का काम करने गया था। हादसे के बाद शादी समारोह में मौजूद लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित करने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया। युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि नगला हरलाल गांव में एक शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में हलवाई का काम करने के लिए कोलारी थाना क्षेत्र के सहापुर गांव का रहने वाला युवक योगेश पुत्र राम प्रकाश गया था, जहां खाना बनाते समय पास में लगे लोहे के खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आ गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। हादसे की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस चौकी ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी, जिनके आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बसेड़ी के गांव हरजूपुरा में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बसेड़ी उपखंड के गांव हरजूपुरा में विजय सिंह पुत्र बाबू सिंह, नारायण सिंह पुत्र ज्योतिराम, रविंद्र सिंह पुत्र बाबू सिंह जाति ठाकुर के यहां आग लगी है। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मौके पर उपयुक्त व्यक्तियों की मदद से गेहूं के भूसे और 15 बोरी अनाज के साथ ईंधन और कंडे भी जलकर राख हो गए। आग के लगने से करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने आग की सूचना देने पर अग्निशमन यंत्र को बुलाया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और साथ ही गांव वालों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। सरपंच और पटवारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही गरीब किसान ने मुआवजे दिलाए जाने की मांग की है। बसेड़ी से पुनित परमार की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकाली गई भगवान महावीर की जयंती। राजाखेड़ा के नगर के अंदर भगवान महावीर जयंती को बड़े ही धूमधाम से और सुंदर और आकर्षण मन मोहनी झांकियों के साथ ढोल ताशे बैंड बाजों के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला गया, जिसमें घुड़सवार वाहन ढोल ताशों के साथ निकाला गया। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर राजाखेड़ा के नगर में पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
बाड़ी शहर के धनोरा रोड स्थित बैराबाग मोहल्ले के एक घर में शादी समारोह को लेकर गीतों का कार्यक्रम चल रहा था। घर की छत पर जब महिलाएं गीत गा रही थी, इस दौरान 20 वर्षीय नाती संतुलन बिगड़ने से घर की छत से नीचे गिर पड़ा, जहां उसकी दादी खड़ी हुई थी। दादी के ऊपर नाती के गिरने से दोनों घायल हो गए। घटना के बाद घर में हड़कंप मच गया और गीत कार्यक्रम को स्थगित कर परिजनों ने दोनों घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने घायल नाती की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया है। वहीं दादी का उपचार कर छुट्टी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार धनोरा रोड बैरा बाग मोहल्ले में धारू सिंह की बेटी की शादी 23 अप्रैल को होनी है। शादी कार्यक्रम को लेकर घर में गीत आनंद का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान धारू का 20 वर्षीय लड़का दीपू अचानक से संतुलन बिगड़ने के चलते घर की छत से नीचे आ गिरा, जहां उसकी दादी 55 वर्षीय छोटी पत्नी पूरन सिंह धोबी खड़ी हुई थी। दादी के ऊपर नाती के गिरने से दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से दीपू पुत्र धरो सिंह की गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया है। वहीं दादी धोबी को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। धौलपुर जाने के लिए घर से निकले युवक का शव दोपहर रेलवे ट्रैक पर मिला। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के तोर गांव के पास रेलवे ट्रैक की है। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक दाऊजी पुत्र केदारनाथ शर्मा कोलारी थाना क्षेत्र के जारोली गांव का निवासी था, जो रविवार सुबह घर से धौलपुर जाने की बात कहकर बाइक लेकर निकला था। हादसे को लेकर सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि तोर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। प्राथमिक जांच में ट्रेन की चपेट में आने से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए एक मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुरियो का पूरा गांव में शनिवार को खेत पर काम कर रहे एक युवक पर हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई काशीराम ने बताया कि राजू पुत्र वनवारी शनिवार सुबह अपने खेतों पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसके ऊपर विद्युत का तार टूट कर गिर पड़ा। पास में स्थित खेतों पर काम कर रहे लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया और शव मोर्चरी में रखवा दिया। अस्पताल चौकी प्रभारी ने कोलारी थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंचे कोलारी थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर में जैन समाज के तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव को लेकर समाज की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया। महावीर जयंती के मौके पर स्थानीय पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर पर सुबह से ही पूजा अर्चना, प्रवचन, व्रत, अभिषेक, शांति धारा सहित कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी की शोभा यात्रा पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर में बैंड बाजों के साथ शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस जैन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान 15 झांकियां निकाली गई। इस दौरान अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया। शहर भर में निकाली गई शोभा यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा के आखिरी में मौजूद रथ में सवार भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना की गई। भगवान महावीर की जयंती के मौके पर शहर में जगह जगह प्रसादी वितरण की आयोजन भी किया गया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कई नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।